राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बंगरू विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सीधी बात करेंगे कि वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव मैदान में है। सर, सबसे पहले आला कमान ने आपके ऊपर बड़ा भरोसा किया, लगातार आप क्षेत्र में बने रहे, अब आप चुनावी तरीके से पूरे मोड में आ चुके हैं, क्या रणनीति है? देखिए, ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने बगरू विधानसभा क्षेत्र के 3.5 लाख लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद प्रदान किया है। राजनीति के अंदर टिकट लेना, चुनाव लड़ना, ये एक सतत प्रक्रिया है, मगर इस टिकट को जनता का आशीर्वाद बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। हम तीसरी बार चुनाव मैदान के अंदर है। पिछली बार हमारे कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कोई बात रह गई थी, मात्र 2000 वोटों से हम सीट हारे थे, मगर अब की बार उसको ब्याज सही चुकता करेंगे। और जो मुद्दे हमारे हैं जनता के, गांव गरीब किसान के लिए बने, ऐसे मुद्दे जिसमें पानी भी है, ऐसे मुद्दे जिसमें सड़क भी है, और ऐसे बहुत बड़े मुद्दे जो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर लिखते हैं, युवाओं के 19-19 बार जो पेपर लीक हुए, राजस्थान की जनता का काला चिट्टा खुलना स्टार्ट हो गया, लाल डायरी की गोपनीयता बाहर निकलने लग गई, और आने वाले समय के अंदर जैसे लग रहा है 25 तारीख तक, रिजल्ट तो 3 को है, मगर राजस्थान के अंदर 25 तक की कांग्रेस की विदाई तय हो जाएगी। इस बार भाई साहब लोकल मुद्दे क्या रहेंगे? बीजेपी तो अपनी गारंटी और वारंटी दे रही है, लेकिन आप बगरू में लोगों के विश्वास पर किस तरीके से खरा उतर पाएंगे? देखिए, हमने 13 से लेकर 18 का राज, हमने चुनाव प्रचार में भी यही बोला है, और 18 से 23 का राज, दोनों जो राज है उनको तोल ले जनता, उससे फैसला ले ले। फिर भी हमारे लोकल मुद्दे, जो हमारी बड़ी योजना थी बिसलपुर योजना, गोनेर जगदीश महाराज की योजना, रिंग रोड की योजना, रिंग रोड के ऊपर प्रभावित किसानों के साथ में न्याय नहीं हुआ, हाउसिंग बोर्ड जैसी जो योजना या तो लागू हो या हटे, ऐसे बहुत सारे तमाम जो लोकल मुद्दे जिनको कह सकते हैं, हमने एक बार अब की बार जनता को आश्वासन दिलाया कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अंदर जनता विश्वास करे, जिन्होंने आज़ादी के बाद के अंदर राम मंदिर का संदेश दिया, 370 का संदेश दिया, तो बगरू में जितने लोकल मुद्दे हैं अब की बार बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करेंगे, उनके साथ में कांग्रेस की विदाई भी खत्म करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा दिया, मोबाइल बांटे, उन्होंने महिलाओं को जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो प्रतिवर्ष हम जो है वो 10,000 रुपये देंगे, युवाओं को हम लैपटॉप देंगे, लेकिन इनके मैनोफेस्टो और कथनी में और करने में कितना? देखिए, कांग्रेस ने गारंटी दी थी ना 3500 रुपये भत्ते की, कांग्रेस ने गारंटी दी थी ना 1 से लेके 10 नंबर गिनती की, कांग्रेस ने गारंटी दी थी ना महिला सुरक्षा की, कांग्रेस ने गारंटी दी थी सनातन धर्म को जिंदा रखने की, क्या हुआ? मुंगेरी लाल के असीन सपने, मैं कह रहा हूँ कि इनकी 7 गारंटी अब की बार ऐसी गारंटी होगी कि ये हमेशा याद करेंगे कि जनता के साथ में छलावा क्या होता है, धोखा क्या होता है, जनता दिखाएगी आईना सारी तरीके। 4.5 साल इनकी गारंटियां कहा गई, और 4.5 साल निकलने के बाद में आप ये ले जाओ वो ले जाओ, गारंटी दे रहे हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, निःशुल्क योजना, मोबाइल योजना, पूरा भार जनता के कंधों के ऊपर डाल दिया, इन सभी बातों को पूरा करने के लिए जनता तैयार है। इनकी गारंटी वारंटी सारी जिस तरीके से खोखले दावे साबित हुए हैं, आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से वोटिंग होगी 25 तारीख को, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समीकरण राजस्थान में इतने मजबूत होंगे कि इसी में फतेह हो जाएगी और पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, उन्होंने जो लुटियन जो गठबंधन बनाया INDIE है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में जो है वो PM के लिए दावेदार वही नजर आ रहे हैं, इधर से ममता बनर्जी, इधर से आपके अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग एक गठबंधन बना करके क्या रणनीति बनाते हैं? क्या लग रहा है आपको कि क्या राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, क्या लग रहा है वो आलू से सोना बना सकते हैं? देखिए, इनका गठबंधन पहले भी देखा था ना आपने, इनके गठबंधन में कचौरी समोसा चलता है, देखते हो कचौरी खाते खाते लोग देखते रहते कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो जाए, फिर वो कहते हैं कि राजस्थान में आपके राजस्थान से जुड़े राज्यों के अंदर कांग्रेस आ रही, तो राहुल गांधी तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है, देखो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी चीज रही गठबंधन की, तो ये आज़ादी के बाद में एक इनका जो गठबंधन इंडिया के नाम से जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम किया, आज़ादी के 75 साल बाद में प्रदेश को जिस गर्त के अंदर डालने का काम किया जनता जानती है, और अभी तो देखो ये नाम खुद का पीछे रहते हैं, किसी और को आगे कर रहे हैं, अभी देखो प्रधानमंत्री के लिए कितने नाम निकल के आते हैं, मेरे को लगता है जैसे चुनाव हो रहे हैं
और मेरे को कोई कह दे मेरे गलतफहमी हो जाए कि यार आप तो मुख्यमंत्री हो, तो मैं बंद कमरे में बन जाऊं, कौन मना कर रहा है। तो ये वही बात मुंगेरी लाल के असीन सपने, इस गठबंधन के जितने बंधन है उस उनके भी कितने बंधन बनेंगे अभी तो, और उनमें कितने प्रधानमंत्री के दावेदार होगी ये भविष्य के गर्थ में है, ये भविष्य बताएगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ूंगी, लेकिन राजस्थान में पिछले 5-5.5 सालों में जो तस्वीरें बनी है वो तस्वीरें आपने भी देखी है, उन तस्वीरों का आप आंकलन कैसे करते हैं? लड़ी तो नहीं ना, भीलवाड़ा के अंदर एक गाँव गरीब किसान जो भेड़ बकरी चरा के अपना लालन पालन करते थे, उनकी बेटी के साथ में अपराधी की कोई जाति नहीं होती ना, हम बोल रहे हैं उनकी बेटी के साथ में जिस तरीके की ज्यादती हुई, और फिर वहाँ तक भी नहीं रुके, दरिंदों ने उसको भट्टी के अंदर जला दिया, फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आती ना वहाँ पे केवल, और मंच के ऊपर आना, हाथ हिलाना, माला पहन के चला जाना, सापा बांधना, ये राजनीति नहीं है। जनता के दिलों के ऊपर कितना खरे उतरते हैं, सुख दुख में कितना हम शामिल हो रहे हैं, गांव गरीब किसान तक कब तक पहुंचते हैं, ये बात देखने की होती है। भाई साहब आखिरी सवाल करूंगा, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी चुनावी एजेंडे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वा सकती है, मंदिर में रात भर में तोड़फोड़ करवा सकती है, मंदिर में कुछ भी हमला करवा सकती है, और ये हिंदुत्व का एजेंडा बना करके चुनाव को लड़ा जा रहा है। देखिए ये आज़ादी के बाद में मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये तो कांग्रेस की सोची समझी चाल है, ये तो कांग्रेस ने किया, भाई भाई को लड़ाना, भ्रष्टाचारी हिंदुत्व के नाम के ऊपर, क्यों नहीं इनके मुँह से भारत माता का जयकारा निकलता, क्यों नहीं इन्होंने 70 साल राज किया, क्या नींद में थे क्या, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, क्यों देश को दो भागों के अंदर बांटा 370 का, क्या पहले सरकारें नहीं आई थी, तो केवल ये बौखड़ाए हुए हैं, और बौखड़ा होते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी न किसी का क्षेप लगाते हैं, बाकी निराधार है, यहाँ पार्टी की सोच छपी है, दो लोगों से चली पार्टी आज हिंदुस्तानी विश्व की एक नंबर की पार्टी बन गई, जिस पार्टी के नेता हिंदुस्तान के नहीं विश्व के एक नंबर के नेता है, तो ये सब कांग्रेस की बौखलाहट है जो बच्ची कुची 25 को खत्म कर देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये 25 के 25 सीटों को पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी बौखलाहट में पूरी तरीके से नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बगरू विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा जिस तरीके से मैदान पर हैं, लोकल मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी, और 25 तारीख का जो मतदान होगा और जो 3 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी तो जनता इन्हें कैसा आशीर्वाद देगी, ये तमाम तस्वीरें अभी आना बाकी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज 21 जयपुर।